नमस्कार। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर भारत आजादी का अमृत महाउत्सव मना रहा है। चलो फिर से वो नजारा याद कर लें। शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर। बलिदानी वीर सपूतों के खून की वो धारा याद कर लें, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान को न्योछावर करने में जरा भी ना सोचा। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही एक शौर्य वीर तात्या तोपे की कहानी एमपीएस की जुबानी। तात्या तोपे का जन्म पाटोदा जिले में हुआ था, जो कि नासिक के पास स्थित है। इनका जन्म सन 1814 में हुआ था। इनके पिता का नाम पांडुरंग एवं माता का नाम रुक्मणी बाई था। इनके पिताजी पेशवा बाजीराव के राज्य में कार्य करते थे। तात्या तोपे जी अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। शुरू से ही उनमें देश प्रेम था। वे अंग्रेजों को देश से भगाना चाहते थे। जब अंग्रेज भारत में आए, तब अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव के राज्य पर हमला बोल दिया। पेशवा बाजीराव ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, लेकिन आखिर में अंग्रेजों से उनकी हार हुई और बाजीराव को अपने राज्य से दूर जाना पड़ा। अंग्रेजों ने बाजीराव को पेंशन बांध दी थी। कुछ समय बाद बाजीराव को मिलने वाली पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी। तब बाजीराव के बेटे नाना साहब और तात्या तोपे काफी क्रोधित हुए और उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने का फैसला ले लिया। और फिर 1857 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में उन दोनों की हार हुई। कुछ समय बाद ही तात्या तोपे ने और भी कई युद्ध अंग्रेजों के साथ किए। कुछ ही समय बाद तात्या तोपे को महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में पता लगा, तो तात्या तोपे ने महारानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़ने का फैसला किया। दोनों ने अंग्रेजों से युद्ध किए, लेकिन लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। आगे चलकर भी तात्या तोपे ने अंग्रेजों से युद्ध किए, लेकिन आखिर में तात्या तोपे को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उन्हें फांसी की सजा दी। लेकिन फांसी की सजा देने के बाद हमारे देश में एक क्रांति की ज्वाला भड़क उठी और कई क्रांतिकारी आगे बढ़े और आगे चलकर हमें अंग्रेजों से आजादी मिल गई। आओ झुक कर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आया है। किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग जिनका लहू भारत देश के काम आया है, भारत देश के काम आया है। जय हिंद, जय भारत।